नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा और आप देख रहे हैं अमृत विचार। शुक्रवार को लखीमपुर जिले में कोरोना संक्रमण के कारण पहली मौत का मामला सामने आया। संक्रमित मरीज खीरी की तहसील गोला गोकर्णनाथ के ऊंची भूड़ का निवासी था। 82 वर्षीय मृतक को यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत होने के कारण वह एक सप्ताह से लखीमपुर के चित्रा हॉस्पिटल में भर्ती था। सांस लेने में दिक्कत होने पर मरीज को लखनऊ के इंटीग्रल हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान वह कोरोना जांच में पॉजिटिव पाया गया, जिसकी इलाज के दौरान शुक्रवार को मौत हो गई। लखीमपुर खीरी में कोरोना से हुई मौत का यह पहला केस था। 259 पॉजिटिव केसेज आए हैं और 73 लोगों को छोड़कर बाकी लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, अपने घरों को जा चुके हैं। 73 लोग आज की डेट में आइसोलेशन में हैं और उसमें से कुछ लोग हमारे सरकारी व्यवस्था में और लगभग 20 लोग अपने होम क्वारंटाइन में हैं। हमारे जनपद के लिए आज का दिन इस सेंस में दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि आज कोविड के चलते पहली डेथ हमारे यहाँ हुई है। यद्यपि जो डेथ हुई है वो 80 साल के बुजुर्ग हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु मृत्यु होती है, उम्र कोई भी हो, तो हमें विशेष सतर्कता की अब ज़रूरत होगी। आज मैंने इस बैठक के माध्यम से भी यहाँ के लोगों से अपील करी है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन आदि का पूरी तरह से हम ध्यान रखें, अन्यथा जिस तरह से केसेज बढ़ रहे हैं, पिछले अगर एक हफ्ते का हम देखें तो लखीमपुर ज़िले में भी तेज़ी से केसेज की संख्या बढ़ी है, तो अब वो वक्त आ गया है कि हमें अतिरिक्त सावधानी रखनी पड़ेगी। और लगातार यहाँ की जनता का, जनपद लखीमपुर की जनता का हमें सहयोग मिला है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बदली परिस्थितियाँ हैं इसका हम सभी लोग संज्ञान लेंगे और जो सतर्कता की हमसे उम्मीद की जाती है वो सतर्कता सभी लोग बरतेंगे, और अगर प्रशासनिक स्तर पर आवश्यकता पड़ेगी तो जो भी निर्णय जनहित में ज़रूरी होगा हम लोग आप लोगों से वार्ता करके, आप लोगों से विमर्श करके उस निर्णय को लेने में कोई कोताही नहीं।